चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। अब महाराष्ट्र का नंबर वन चैनल बन चुका है रंगरेज की आवाज न्यूज, झूठ को करे बेनकाब। अकोला महानगर पालिका में जगह जगह गड्ढे करके छोड़ दिए गए हैं, जिसके किसी पाइपलाइन में से पानी रिस रहा है, किसी जगह पर गड्ढा करके छोड़ने की वजह से कोई लोग घायल हो रहे हैं, कहीं पर लोगों को परेशानी हो रही है। इसी तरह की परेशानी डॉक्टर निखिल बख्शी ने भी अपने एरिया में, जो पानी हज़ारों लीटर बर्बाद हो रहा है वहाँ की अमनखा प्लाट की, उन्होंने RLT कॉलेज के पास की तस्वीर को शेयर कर फेसबुक पर साझा की। वहीं रेलवे स्टेशन पर बनी हुई पानी की टाँकी, जिसमें से हज़ारों लीटर पानी आम नागरिकों को पीने के लिए जाता है, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इसके वजह से अगर किसी ने कुछ इस शरारती तत्व ने कुछ शरारत की तो वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए हमारे रिपोर्टर सैयद जमीर की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अकोला महानगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही। हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर दो वाटर टैंक है जिनका पानी पूरे अकोट फैल को सप्लाई होता है, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ पर एक पाइपलाइन लीकेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे रोड के ऊपर पानी बह रहा था। काफ़ी महीनों के बाद उस लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया है, लेकिन काफ़ी महीनों से दुरुस्त करके उसको छोड़ दिया गया है, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को हो रही है मानसिकता और शारीरिक परेशानी। आइए हम जानते हैं यहाँ के नागरिकों से कि इनको किस तरह की परेशानियाँ हो रही है। देखिए सर, पिछले एक महीने से एक गड्ढा खोदा हुआ है और यहाँ पर मनपा का ऑफिस भी है उत्तर जोन का, और यहाँ पर अकोला में बहुत सारी परेशानी है। स्टेशन एरिया है ये, जीवन प्राधिकरण का बहुत सारा लापरवाही है और ये कभी भी हादसा होता है, हो सकता है सर। यहाँ आप क्या कहेंगे सर? ये जो गड्ढा है ये जल्दी से जल्दी बुझाया जाए। कोई बच्चा गिरता है, कोई गाड़ी गिरती है, कुछ दुर्घटना होती है, इसका जवाबदार अकोला महानगर पालिका रहेगी या कौन रहेगा ये बताना चाहिए। अकोला के अंदर ऊपर से नीचे तक का BJP की सरकार है, तभी भी ये नागरिकों को असुविधा, ये चिंताजनक बाब है। तो यहाँ के नागरिकों की मांग ये है कि इस गड्ढे को जो है वो जल्द से जल्द बुझा दिया जाए, क्योंकि ये गड्ढा जो है ये काफ़ी मात्रा के अंदर बहुत ज़्यादा खोल है। ये इसकी डीप कम से कम 10 फुट की है और यहाँ पे अंदर जो है उत्तर जोन का एक ऑफिस भी है और यहाँ पे टैक्स भरने के लिए जो है काफ़ी मात्रा में लेडीज़ भी आती है। तो महानगर पालिका को इसकी ओर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए रंगरेज की आवाज़ न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ को बेनकाब कर रहे हैं, तो हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। स्क्रीन पर दिए हुए बैंक अकाउंट नंबर में हमें जो भी आपसे हो सके वो ट्रांसफ़र कीजिए।